हम केजीएमयू के छात्र आपके समक्ष कुछ मिनटों की प्रस्तुति एवं नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कुष्ठ रोग निवारण जागरूकता अभियान। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह प्रस्तुति से प्रेरणा मिलेगी एवं आप कुष्ठ रोग को लेकर और जागरूक होंगे। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं कुछ मिनटों की प्रस्तुति। लेप्रसी या आम भाषा में जिसे कुष्ठ रोग या कोढ़ कहते हैं, यह बीमारी एक सूक्ष्म जीवाणु माइकोबैक्टीरिया लेप्री या माइकोबैक्टीरियम लेप्रमेटोसिस के संक्रमण से होती है। इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जैसे हल्के रंग के निशान शरीर पर आना, गर्म व दर्द का एहसास ना होना, भौहों के बाल गिरना, कान व नाक की विकृति होना, हाथ व पैरों की अंगुलियों का मुड़ना व हाथ व पैरों में छालों का पड़ना। इस रोग के पूर्ण इलाज हेतु सरकार एक से अधिक एंटीबायोटिक दवाएं, जिसे हम MDT कहते हैं, निशुल्क प्रदान करती है। लेप्रसी का इलाज संभव है, यह छूने से नहीं फैलता। लक्षण आने पर अपने निकट के स्वास्थ्य अधिकारी या चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। प्रस्तुति देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए इस बीमारी से होने वाले समस्याओं का नाटकीय रूपांतरण देखते हैं। अशी, तुम हमेशा फोन पे क्यों लगी रहती हो? अरे लो, पी लो, का दूध पियो, लो लो। अरे मम्मी, जला लिया ना तुमने हाथ अपना? नहीं जलता, नहीं जलता, बेटा रुको, कौन कौन खेलेगा, किसके साथ खेल रही हो? मम्मी मैं अशी और निशी के साथ खेलने जा रही हूँ। बेटा देखो, अशी के साथ तो बिल्कुल मत खेलना, उसके हाथ में हल्के दाग पड़े हुए हैं। याद करो, वो पड़ोस वाले काका को भी ऐसे ही पड़े हुए थे हल्के दाग, उनको कुष्ठ रोग था। बताओ, तुमको अगर फैल गया तो? इसलिए मना कर रहे हैं कि अशी के साथ बिल्कुल मत खेलना। ओके मम्मी, मैं जा रही हूँ। रुको रुको, सुनो, अशी के साथ तुम मुझे देख मत जाना, वरना सोच लो क्या हाल करेंगे। अरे अरे अशी, तुम बाद में आना खेलने, अभी तुम जाओ। तुमने उसे खेलने क्यों नहीं दिया? अरे तुमने देखा, उसके हाथ पे हल्के रंग के दाग हैं। मैं भी देख कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, पागल हो? पता है मम्मी ने कहा था कि जिनके हाथों पे, जिनके शरीर पे हल्के रंग के दाग होते हैं ना, उन्हें कुष्ठ रोग हो सकता है, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, हमें भी हो सकता है। ठीक है, चलो खेलने चलते हैं। अरे ऋषि बेटा, क्या हो गया? मम्मा, आज मेरी फ्रेंड अशी के साथ मुझे किसी ने खेलने नहीं दिया। क्यों बेटा? चिंकी बोल रही कि उसके शरीर पर हल्के रंग के दाग है, वो छूने से हमें भी हो जाएंगे। अच्छा, क्या तुमने उसके दाग देखे? नहीं मम्मा, उसने मुझे उसके पास तक नहीं जाने दिया। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, कल तुम्हारी पीटी है ना, हम इस बारे में तुम्हारी मैम से बात करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऋषि। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग मैम। आइए बैठिए। तो मैम, इसका कैसा चल रहा है? मेरी बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छा चल रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शी? मैम मुझे मेरी फ्रेंड अशी के साथ कोई खेलने नहीं देता है। क्यों? मामा मामा बताइए ना। हाँ बेटा, एक्चुअली मैम इसने मुझे कल बताया कि अशी के हाथ पे कुछ हल्के रंग के धब्बे से हो गए हैं, आपको इस बारे में कुछ पता है? नहीं मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, हेलो ऋषि। हेलो अशी। अशी नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे अशी, तुम्हारे हाथ में कोई धब्बे हो गए हैं क्या? जी मैम, कुछ वो तो गया है। अरे अशी बेटा, नहीं है। अरे भाभी, ये कब से है? अरे अभी कुछ दिनों से हो गया है ये। अच्छा, इसके साथ कुछ और लक्षण भी है, जैसे ठंडे गर्म का पता ना चलना या दर्द का महसूस ना होना? अरे अशी, वो दूध गिर गया था ना उस दिन। अरे भाभी, क्या हुआ था कि इसके हाथ पे गर्म दूध गिर गया था। अच्छा, तो ना तो इसे दर्द हुआ और ना ही इसे जलन हुई इस जगह पे। अच्छा, तो भाभी मेरी नजरों में तो आप इसे हल्के में मत लीजिए, किसी चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखवा लीजिए।
अरे भाभी बच्चों के तो ऐसे दाग धब्बे होते रहते हैं, अभी थूक लगा देंगे, मिट्टी का लेप लगवा देंगे, दो जालों में सही हो जाएगा। चल करो विशेषज्ञ को दिखाने की क्या जरूरत। अरे नहीं भाभी, आप इन कहीं सुनी बातों में मत आइए। दरअसल मुझे कुष्ठ रोग के लक्षण लग रहे हैं, तो आप किसी चर्म रोग विशेषज्ञ को ही दिखवा लीजिए, और अगर आपको ठीक लगे तो आप शाम को इन्हीं के क्लिनिक पे ले आइए, ये देख लेंगे। अच्छा आप कह रही हैं हम दिखवा देंगे एक विशेषज्ञ को। जी और एक डॉक्टर होने के नाते तो मैं यही सलाह दूंगी कि इसे जरूर एक चर्म रोग विशेषज्ञ को दिखवा लें, क्योंकि इसका पूरा पूरा इलाज संभव है अगर इसे समय पर दिखवा लिया जाए तो। जी मैम, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। जी थैंक यू मैम, चले। हेलो बेटा, बैठो बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? अशी। अशी, उम्र कितनी होगी? 10 साल। हाँ जी बताइए, क्या दिक्कत है? बताओ बेटा। अंकल ये देखो दाग हो गया है, और इसकी वजह से दो मेरे दोस्त मेरे साथ खेलते भी नहीं है। ये कब से है? अरे ऐसे हो गया है कुछ समय हो गया इसे। अच्छा जरा दिखाना बेटा। क्या इस पे ऐसा भी होता है कि दर्द महसूस ना हो या ठंडा गरम कुछ ना पता चले? अरे कुछ दिन पहले ना इसके हाथ पे गरम दूध गिर गया था, तो ना तो इसे हाथ में दर्द हुआ और ना ही जलन हुई। तो ये मुझे कुष्ठ रोग के लक्षण लग रहे हैं, कुछ जांचें लिख के दे रहा हूँ, ये करवा लीजिएगा। और कुछ दवाएं भी है, इनको भी नियमित रूप से लेना है। कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरीके से हो सकता है, और आपको बस ये दवाइयाँ नियमित रूप से लंबे समय तक लेनी है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, हम एकदम लंबे समय तक से अच्छे से नियमित रूप से दवाइयाँ खिलाएंगे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो रे भैया। मम्मा पापा देखो इन अम्मा के तो फिंगर्स ही नहीं है। अरे का बताई भैया, पता नहीं कौन है, पापन की सजा मिल रही है, ये उंगलियां अपने आप ही गल गई है। हमरे बहू बेटन ने हमें घर से निकाल दिया भैया। अरे अम्मा तो आपने इसका इलाज नहीं करवाया? हमें खाना नहीं देती, हमें पोता पोती के साथ खेलने नहीं देती, इलाज तो बहुत दूर के बात है भैया। अम्मा ये कुष्ठ रोग के लक्षण है, आपको पता है सरकार बहुत सारी चलाती है स्कीम इसके लिए। आप उन्हीं योजनाओं के तहत अपना मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हो, हम आपको ले चलेंगे अम्मा। ठीक है भैया, चलिए आइए आइए अम्मा आइए आइए। पापा पापा एक बात बताओ, मेरी फ्रेंड अशी को भी कुष्ठ रोग था और इन अम्मा को भी कुष्ठ रोग था, दोनों इतने अलग अलग कैसे है? बेटा ये दोनों कुष्ठ रोग ही है, कुष्ठ रोग के बहुत सारे लक्षण होते हैं। अगर तुम्हारी दोस्त अशी का समय से इलाज ना किया जाए उसके जैसे हल्के धब्बों का, तो वो आगे चल के अम्मा के जैसे उंगलियां गलने में बदल सकता है। मेरी दोस्त तो ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटा, उसका समय से इलाज शुरू हो गया है ना, अगर वो दवाइयाँ लेती रही तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मतलब मैं अपनी दोस्त के साथ खेल सकती हूँ? हाँ बेटा चले चलिए। दाग धब्बा और निशान है कुष्ठ रोग की पहचान, कोढ़ी नहीं कुष्ठ रोग से पीड़ित है। अलग नहीं, हम जैसे ही है, उपचार करो, भेदभाव नहीं। इलाज है तो करवाते क्यों नहीं? शारीरिक अपंगता से खुद को बचाते क्यों नहीं? कुष्ठ रोग का सही इलाज कराएं, चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। MDT से उपचार करो, स्वस्थ जीवन जियो। लेप्रसी या कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के कीटाणु से होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का इससे प्रभावित हो सकता है। अधिकांश लोगों में ये हमारी त्वचा और नसों को प्रभावित करता है, जिसके कारण हमें कई लक्षण आते हैं, जैसे कि हाथ पैर में सुन्न होना, हाथ पैर में कमज़ोरी होना। कमज़ोरी धीरे धीरे बढ़कर इतनी हो जाती है कि हम अपना काम करने में हाथ से या पैरों से चलने में दिक्कत होने लगती है। इसके कारण हाथ पैर में छाले भी पड़ सकते हैं। त्वचा में एक या अनेक हल्के रंग के दाग धब्बे आ सकते हैं। इन दाग धब्बों में भी आपको सुन्नपन होता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आए
तो इनको लापरवाही से ना बरतें, त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलें, क्योंकि अगर इसे छोड़ा गया, इसमें लापरवाही करी गई, तो आपके ये अन्य शरीर के भागों को प्रभावित कर सकती है और कई समस्याएं आ सकती हैं, जैसे हाथ पैर का टीढ़ा होना। तो सतर्क रहें, इलाज करवाएं। कुष्ठ रोग अथवा कोढ़, हैंसन्स डिजीज या लेप्रसी, अब तक आपको यह विदित हो गया होगा कि यह एक सूक्ष्म जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्रे या माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस से होता है। अगर सही समय पर इसका उपचार न किया जाए तो यह आपकी त्वचा, नसों, आंखों, हाथों और पैरों को स्थायी क्षति पहुंचा सकता है। 1980 के दशक के बाद जब सिर्फ इसका बहु औषधीय उपचार के आगमन यानी MDT के इंट्रोडक्शन के बाद इस बीमारी का पूर्णतः इलाज संभव है। डाप्सोन, रिफैम्पिसिन और क्लोफेजमीन नामक दवाएं MDT ब्लिस्टर पैक का हिस्सा है। यह ब्लिस्टर पैक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पूर्णतः मुफ्त उपलब्ध है। बच्चों और वयस्कों के लिए इसमें समायोजित खुराकों की व्यवस्था है। यह MDT 12 महीनों के लिए मरीजों को दी जाती है। MDT लेते समय आपको यह ध्यान रखना है कि अपने चिकित्सक के परामर्श आप जारी रखें और उनसे बिना पूछे हुए इस दवा को लेते वक्त कोई गैप ना दें। हाथों पैरों में अगर क्षति हो जाए, कमजोरी हो जाए, तो उसके लिए वर्जिश विभाग में उचित वर्जिश की व्यवस्था है, जो MDT के साथ इस कमजोरी को दूर की जा सकती है। इतने दशकों के बाद भी आज भी कुष्ठ रोग से जुड़े सामाजिक कलंक की वजह से कुष्ठ रोग के मरीज स्वतः आपरूपी आगे आकर अपना उपचार नहीं लेते हैं। यही वजह है कि इसकी स्थायी क्षति आज भी हमें समाज में देखने को मिलती है। कुष्ठ रोग पूर्णतः ठीक की जा सकती है और इस वीडियो द्वारा आज हमारी यह छोटी सी कोशिश है इसी बात के लिए आपको जागरूक कराने की। हमारे समाज में यह भी भ्रांति है कि कुष्ठ रोग के मरीज काफी संक्रामक होते हैं, लेकिन MDT के ब्लिस्टर पैक में रिफैम्पिसिन नामक जो दवा है वह 2 हफ्तों में ही मरीजों को संक्रामक नहीं रहने देती। कुष्ठ रोग व उसके मरीजों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ही वर्ल्ड लेप्रसी डे मनाया जाता है। आज इस दिवस पर हम इस वीडियो द्वारा आपको इसी विषय में जागरूक करना चाहते हैं और यह वीडियो द्वारा हमारी यह कोशिश जिससे हम और आप मिलकर सम्मिलित सहयोग से इस कुष्ठ रोग को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।